अमरीका तरफा सिंध समेत सजे मुल्क के बोन मुतासर ला 5 करोड़ 31 लख डॉलर इमदाद जारी कर छी है। अमरीकी पदे खाते के कौंसलर डायरेक शोली आला अहदेदार बदल वफद से गड 7 से 9 सेप्टेम्बर ताई इस्लामाबाद कराची जो दौरों कर वफद में अमरीकी पदे खाते दिफा आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी ए कौमी सलामती बाबत व्हाइट हाउस के कौंसिल जा आला अमलदार पिण शामिल हुआ। अमरीकी पदे खाते के कौंसलर ए वफद पाकिस्तान में आला हुकूमती अमलदार सिविल सोसायटी के नुमाइंदन खानगी शोबन के सरबराहन से मुलाकात पाकिस्तान में आला हुकूमती अमलदार सिविल सोसायटी के नुमाइंदन खानगी शोबन के सरबराहन से मुलाकात क्यों जै दौरान बिन्हीं मुल्क विच में सफारती लागापन के 75 साल पूरा थियण की खुशी मल्हाण समेत गडियल मफादन सहकार बढ़ाने के जोर भरे वो। कौंसलर शोली सिंध समेत पाकिस्तान के बेन सूबन में बोर्ड सबब आयल तबाही बुहरान के मुंह डेंदर अवाम से बधिए जो इजहार किया। उन मौके से अमरीकी कौंसलर शोली जो चवण हो तो पाकिस्तान को तामीर दौरों करें बिन्हीं मुल्क विच में लागापन के 75 साल पूरा थियण जो जशन जो हिस्सो बणजण संदस ला फख्र जोगी गाल आहे। हुन पाकिस्तान के परदेही वजीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में अमरीका तरफा बोर्ड मुतासरन की इमदाद ला जारी कल 5 करोड़ 31 लख डॉलर से गाल बोल कई जैमें बोर्ड की तबाही के मुंह डण ए मुतासरन की सहायता ला 30 लख डॉलर का जारी कल 5 करोड़ 1 लख डॉलर की इजाफी माली इमदाद शामिल आगे वह माली इमदाद आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी USAID जरिए मुहैया कई वही है जैसा पाकिस्तान में बोर्ड मुतासर ला हंगामी तौर घुर्बल इमदाद मुस्तकबिल में कुदरती आफतन तोड़े माहौलियाती तब्दीली के असरन के मुंह डण ला मदद मिली सके। अमरीकी कौंसिल शोली इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करी बितरफन लागापन के सघारो बढ़ाने समेत व्यापार सीरपकारी माहौलियाती तब्दीली सेहत के शोबन में सहकार से गाल बोल कई। अमरीकी कौंसलर शोली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात दौरान पाकिस्तान में बोर्ड वाई सूरत हाल में अमरीकी मदद के मौकन पाक अमरीका सिक्योरिटी सहकार बाबत ख्याल की डेवट कई वही। कराची के दौरे दौरान अमरीकी कौंसल कौंसल शोली सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात कई जै दौरान पाकिस्तान अमरीका तजारती भाईवारी बधान सुधो गडियल तरजीही मामलों से गाल बोल पिण कई वही।